ने बैठ कर तय की थी। दूसरी कैबिनेट मीटिंग जब मंत्रियों ने शपथ ली थी और विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त भोपाल में हुई थी, और विभाग के बंटवारे के बाद ये तीसरी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। और ये विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती और रानी अवंतिकाबाई लोधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में आयोजित की। दोनों ही महान महिला रानियों ने इस समाज में अपनी साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, और इसलिए उनको आदर्श मानकर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दोनों ही महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए रानी अवंतिकाबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा, और रानी दुर्गावती सम्मान ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। समाज के अंदर वे महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज सेवा करती है उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही इनके जीवन पर आधारित फिल्में, साथ ही विश्वविद्यालय में इन दोनों महान रानियों के लिए फेलोशिप, जिससे आज के हमारे विद्यार्थी इन पर अध्ययन कर सकें, इनके जीवन से प्रेरणादायक बिंदुओं को छूकर समाज को परोस सके, इसलिए सभी विश्वविद्यालय में विद्यालय और महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में इनके जीवन की प्रेरणादायी विषय भी समाहित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं संकल्प 2023, यह हमने चुनाव के पहले जनता के बीच में पेश किया था, और यह कहा था कि यह संकल्प भी है और मोदी गारंटी भी है, और इस मोदी गारंटी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमारे आदिवासी भाई जो तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, उन तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को प्रति मानक बोरा, जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 4,000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं कि पहले ये 3,000 प्रति मानक बोरा थी, 2013 में 1,250 प्रति मानक बोरा थी, हमने इसको बढ़ाकर 3,000 की थी, और आप अब 4,000 कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना, आप सभी जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के आग्रह पर पिछला वर्ष सारी दुनिया ने मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया, और हमारे यहां के मिलेट्स को सारी दुनिया में
प्रचारित करने का काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मिलेट्स को श्री अन्न की नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रचारित किया है और इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हम जो श्री अन्न उत्पादन करेंगे, साधारणतया ये श्री अन्न उत्पादन करने वाली वही पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज्यादातर हैं इसमें, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करते हैं। इनको प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये उनके खाते में सीधी जमा कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस प्रकार के अन्न के प्रति लोगों की रुचि बढ़े और इस वर्ग को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो ये मोदी गारंटी है कि गरीब की गरीबी दूर करना, ये गरीब की गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं समझता हूं कि कैबिनेट ने आज इस वर्ग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि 2003 में हमारे प्रदेश में जो सिंचाई का रकबा था वो लगभग 7 लाख हेक्टेयर के आसपास था। आज लगभग 45 लाख हेक्टेयर के आसपास है। हम इसको आने वाले समय में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज 32,000 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को अनुमति प्रदान की है। सड़क के मामले में भी मुझे याद है 2003 में मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, इस प्रदेश के अंदर मात्र 60,000-70,000 किलोमीटर सड़कें थी, वो भी गड्ढे वाली। सिर्फ मध्य प्रदेश में एक देवास बाईपास ऐसा था जिसमें एक भी गड्ढा नहीं था, बाकी सारी सड़कें गड्ढे वाली थी। आज की तारीख में हमारे पास 5,11,000 किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें कि अधिकांश में गड्ढे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सड़क की क्रांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में की। इसको और आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 4,500 करोड़ की सड़कें और बनाने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और कुछ आप सभी जानते हैं कि लगभग 100 वर्षों से और जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में किन किन चीजों पर चर्चा